नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश सत्यम स्कैम में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अगले आधे घंटे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब तो जो सवाल किए जा रहे हैं, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है रामलिंगा राजू को? क्या जो रामलिंगा राजू चाहते थे वही हो रहा है? साथ ही साथ क्या कुछ शेयर बाजार पर इसका असर पड़ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हेमंत बत्रा, पार्टनर कैडन बोरिस के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है विश्व बंधु गुप्ता, हमारे साथ है फॉर्मर कमिश्नर इनकम टैक्स के। हमारे साथ राजेश तांबे हैं, बाजार में क्या कुछ इसका असर हो सकता है ये से बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ कुछ देर में हमारे साथ जोगिंदर सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ेंगे, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के। सबसे पहले आपके पास आएंगे मिस्टर बत्रा, और आपसे जानना ये चाहेंगे हम कि कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को। जो भी धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो 468 हो, 471 हो, 420 हो, कितना आपको लगता है इनके लिए बचना जो है आने वाले समय में आसान होगा? क्योंकि जो अभी तक जो जांच चल रही है, वो आज जो पूछताछ भी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा कोशिश ये नहीं की जा रही है कि अंदर से कुछ जानकारी या कुछ सख्ती की बरतने की कोशिश नहीं की जा रही है। इससे मामला अभी फिलहाल टलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि इनके लिए कितना बचना आसान होगा। मैं बोलना चाहूंगा, इनके लिए इस पूरे जंजाल से निकलना कितना मुश्किल होगा। डेफिनेटली ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, इसको आप फिजिकल ऑफेंस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है इकोनॉमिक ऑफेंस और फिजिकल ऑफेंस, लाइक असॉल्ट, बैटरी, रेप, मर्डर। और इकोनॉमिक ऑफेंस को आमतौर पे सेम तरीके से समझा जाता है। हिंदुस्तान में आज की डेट में इकोनॉमिक ऑफेंस को व्हाइट कॉलर्ड क्राइम कहा जाता है, और इसको उतनी सख्ती से नहीं देखा जाता जितनी सख्ती से एक फिजिकल ऑफेंस को देखा जाता है। लेकिन हमारे सिस्टम में एक जो है बहुत अच्छी अच्छाई है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, वो मैं फील करता हूं कि उसमें डिले जरूर है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग सिस्टम है। और आज जो एक पूरा जनता की आम राय बनी है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, मैं ये फील करता हूं कि जितनी भी धाराएं लगी हैं, चाहे वो आईपीसी के अंदर लगी हैं और चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ऊपर से जो एक कलेक्टिव एक्शन यूएस में हुआ है, और एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी है इंडिया और यूएस के बीच में 1997 की, जिसका प्रेशर हमेशा इनके ऊपर बना रहेगा, अगर यहां से बचेंगे तो वहां फंसेंगे जाके। तो मुझे ये लगता है कि ये डेफिनेटली द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, एंड दे वुड, इफ देयर इज स्ट्रांग एविडेंस अगेंस्ट देम, दे वुड डेफिनेटली बी कन्विक्टेड। जी चलिए, इस बीच आपको